अगर आपकी जिंदगी में कोई बायोपिक बनाई जाए तो आप किसे हीरो देखना चाहेंगे, पाकिस्तान का भी बता दें और इंडिया का भी बता दें। मैं यहाँ पे ना किसी को नाराज नहीं करना चाहता, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, और अगर कुछ ऐसा माइंड में आया या कुछ सोचा कि बायोपिक बनानी चाहिए तो उस वक्त मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन अभी ये है कि मैं मतलब नाराज नहीं करना चाहता किसी को भी, और लेकिन अभी ऐसा कोई प्लान है भी नहीं। PSL में आप कराची किंग्स में आ चुके हैं और बाबर आजम जा चुके हैं, अगर आपको कयादत की ऑफर की गई तो कबूल करेंगे या एज आम क्रिकेटर खेलना ही पसंद करेंगे? देखिए, मैंने हमेशा से कहा है कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है कैप्टनसी में, और यह है कि अगर कोई मुझे मुझसे आके बात करता है तो मैं जरूर कम्युनिकेट करता हूँ, और अगर जरूरत होती है तो मैं कैप्टनसी कर लेता हूँ, लेकिन मेरा अगर आप पर्सनल इंटरेस्ट पूछेंगे तो मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है कैप्टनसी में एनीमोर। और यह कि टीम मेरी चेंज हुई है, बीइंग ए प्रोफेशनल एथलीट टीम्स जो है आपकी चेंज होती हैं, और क्योंकि हर टीम ने अपना कॉम्बिनेशन देखना होता है, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए उनको, और तो ये ट्रेड हुई है, तो ये है कि कराची किंग्स में पहले खेला हूँ फर्स्ट 2 years, और मैं खुश हूँ कि मैं कराची किंग्स में वापस आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि कराची किंग्स के लिए मैं कुछ ऐसा करूँ कि वो टीम जो है बहुत अच्छा करे टूर्नामेंट में, और मैं थैंक यू भी करना चाहता हूँ जलमी टीम का, मैंने बहुत अच्छा टाइम गुजारा वहाँ पे, बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत फ्रेंडली हैं, और ये है कि मैंने मतलब बहुत इंजॉय किया है, और थैंक यू बोलूँगा उनको और ऑल द बेस्ट बोलूँगा इन फॉर फ्यूचर।